हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपको दोस्त एप के मेरे पास एक 14 इंच का सीआरटी टीवी आया है। यह टीवी बीपीएल कंपनी का है। इसमें का प्रॉब्लम है दोस्तों, जब टीवी को पावर दे रहे हैं तो ना ही इसमें का इंडिकेटर लाइट जल रहा है, ना ही इसके टीवी स्क्रीन पर कोई लाइट शो कर रहा है। हमें कस्टमर ने बताया कि जिस समय टीवी चालू थे उस समय लाइन हाफ डाउन हो रहे थे, इस कारण से यहाँ टीवी अपने आप बंद हो गया है तो चालू नहीं हो रहा है। इस कारण से मेरे पास रिपेयर के लिए लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं इसको पावर देकर देखता हूँ चालू होता है कि नहीं। इसमें 220 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे और मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ। दोस्तों यहाँ पर पावर लाइट को देख सकते हो, यहाँ नहीं जल रहा है, ना ही टीवी स्क्रीन पर कोई लाइट शो कर रहा है। इसके बटन को मैं ऑन ऑफ करके देखता हूँ, देख सकते हो ऑन ऑफ करने के बाद भी इसमें का इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसके बॉडी को खोल कर देखूँगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इस टीवी के बॉडी को खोल लिया हूँ और इसके पीसीबी को निकालेंगे। इस तरह निकाल कर देखेंगे दोस्तों इस टीवी में क्या प्रॉब्लम आया है। इसमें का कनेक्टर को मैं निकाल लिया हूँ, उसके बाद पीसीबी को उल्टा करके चेक करके देखेंगे। मैं पीसीबी को पलट लिया हूँ दोस्तों, उसके बाद मल्टीमीटर को एसी 600 वोल्ट रेंज में रख देंगे। मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ, उसके बाद मेन लीड वायर 220 वोल्ट को चेक करेंगे। 220 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो 220 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद ये हो गया फ्यूज, इसमें भी 220 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कॉइल लगा है, इसमें भी 220 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ ठीक है। और ये हो गया, इसमें भी 200 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर भी 220 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ एसी वोल्ट ठीक है। तो क्या करेंगे, डीसी 600 वोल्ट रेंज में चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर में 300 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए, योगे माइनस योगे प्लस, देख सकते हो दोस्तों 300 से आसपास आ रहा है, 300 आ रहा है लगभग, तो यहाँ ठीक है। यहाँ प्राइमरी भाग ठीक है, तो उसके बाद सेकेंडरी भाग को चेक करेंगे। 110 डायोड में 110 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 110 डायोड में कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 9 वोल्ट बता रहा है। उसके बाद इस वाले डायोड में चेक करेंगे 9 वोल्ट, और ये हो गया 0.5 वोल्ट आ रहा है। और ये हो गया साउंड एसी का 17 वोल्ट, यहाँ ठीक है दोस्तों। तो प्रॉब्लम इसमें 110 पर है, एक तो यहाँ पर 110 डायोड लगा है, ये शॉर्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, एक तो यहाँ आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। चलिए मैं बारीकी से आप लोगों को चेक करके देखा। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को बजर मोड में रख दूंगा, सुन सकते हो बजर का साउंड आ रहा है। तो मैं सबसे पहले 110 डायोड को चेक करूंगा, इसमें क्या वैल्यू बता रहा है, सुन सकते हो दोस्तों, या 110 डायोड स्टार्टिंग बता रहा है। दोनों पार पलट का भी चेक कर रहा हूं, तो इसमें स्टार्टिंग बता रहा है, पीप का साउंड आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ 60 हुआ होगा। और दूसरा हो गया आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, सुन सकते हो यहाँ भी स्टार्टिंग बता रहा है सभी पिनों में। इस तरह सभी पिनों को पलट कर चेक करना है दोस्तों, सभी में पिप का साउंड आए तो यहाँ स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले मैं इस 110 डायोड को निकाल कर चेक करके देखूँगा। इस 110 डायोड को मैं निकाल कर देखता हूँ दोस्तों, इस तरह आराम से निकाल लेना है, यह आराम से निकल गया। यह 110 डायोड 3 एम्पियर का है, इसे मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सुन सकते हो दोस्तों बजर का साउंड आ रहा है, इस पर भी पलट देंगे, इस पर भी सुन सकते हो बजर का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ डायोड ख़राब हो चुका है। उसके बाद मैं इन तीन टांग वाले ट्रांजिस्टर को चेक करके देखता हूँ, इसमें भी पीप का साउंड आ रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गया है। तो इसको मैं निकाल दूंगा, चलिए मैं निकाल देता हूँ। इसी तरह आराम से निकाल लेना है दोस्तों, यहाँ बहुत आसानी से निकल जाता है।
इसको भी निकाल कर मैं इसका वैल्यू दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर का ट्रांजिस्टर लगा है, मैं पुराने ट्रांजिस्टर को निकाल लिया हूँ जिसका नंबर है TT2138। इसका नंबर है, इसके जगह में मैं 1803 लगा दूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ सेम नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। इसको भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ। सुन सकते हो दोस्तों, बजर का साउंड आ रहा है। पलटने पर भी यहाँ पर सुन सकते हो, यानी कि यहाँ भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है, ख़राब हो गया है। तो इसको भी नया चेंज कर देंगे। चलिए मैं सबसे पहले इस वाले डायोड के जगह में नया डायोड बदल दूंगा। यहाँ 3 एम्पियर का डायोड है दोस्तों, तो मैं 3 एम्पियर के डायोड इस वाले को लगा दूंगा। इसे मैं पुराने PCB से निकाला हूँ, जैसे लगे थे वैसे सेम इस डायोड को लगा लिया हूँ। 110 डायोड को माइनस को माइनस और प्लस को प्लस सेम सेम लगा देना है। उसके बाद मैं सोल्डिंग कर देता हूँ, उसके बाद पावर से चेक करके देखेंगे दोस्तों 110 वोल्ट आता है कि नहीं। अगर 110 वोल्ट आ जाता है तो मैं यहाँ पर लगा है उस ट्रांजिस्टर को लगा दूंगा। चलिए मैं लाइन देकर देखता हूँ। यहाँ पर पावर लाइट को भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ जल गया है। उसके बाद मैं इस वाले ट्रांजिस्टर की जगह में मैं 1803 ट्रांजिस्टर को लगा दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका साइज बहुत छोटा है और ये वाला बहुत बड़ा है, तो इसके लिए साइज बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे फिट करके दिखाता हूँ। मैं इसके हीट सिंक को निकाल लिया हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं छेद करके इस वाले ट्रांजिस्टर को डाल दूंगा, उसके बाद मैं PCB में सेट कर दूंगा। मैं ट्रांजिस्टर में हीट सिंक लगाकर कस दिया हूँ दोस्तों, इसी प्रकार आप लोगों को भी कस लेना है। अब यहाँ पर छेदा नहीं दिया होगा तो हल्के से खिले से छेद सकते हो, वैसे मैं किया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक PF है, यहाँ भी हमें फटा हुआ दिख रहा है, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर PF लगा था, उसे मैं निकाल लिया हूँ। यहाँ फट चुका है दोस्तों, देख सकते हो। इसका वैल्यू है 471 के 1 KV। इसके जगह मैं नया लगा लूँगा। मैं इस आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर को सेट किया हूँ लेकिन सोल्डिंग नहीं किया था दोस्तों, तो इसको भी मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। इसे बहुत सावधानी से करना है दोस्तों, ताकि एक दूसरे से पिन ना जुड़े। देख सकते हो मैं बहुत अच्छे से सोल्डिंग कर लिया हूँ। अब मैं आप लोगों को सभी वोल्टा को चेक करके दिखाऊंगा। एक बार मैं आप लोगों को सभी वोल्टा चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। देख सकते हो 110 डायोड में 130 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल IC का 26 वोल्ट, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेन IC का 10 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। इसमें का सभी वोल्टा ठीक है तो हमारे TV चालू हो जाना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ। यहाँ पर LED लाइट भी जल गए हैं और इसके बटन को चालू करने पर TV चालू हो गया है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोगों को भी रिपेयर करना है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।